नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं दमा के विषय में। तो ये ब्रोंकाइटिस दमा के बारे में आज बात करेंगे। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है तो बहुत से लोगों ने पूछा था, तो आज इस टॉपिक पे आए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में बता दें कि दमा एक बहुत परेशानी उत्पन्न करने वाला रोग है जिसका उपचार आसान नहीं है। दौरे के समय आराम देने वाली दवाओं के बाद रोगी को पूर्ण लाभ के लिए संस्थानिक दवाएं लेनी चाहिए। मुख्य संस्थानिक दवाएं निम्नलिखित हैं जो लक्षणिक दवाओं के अतिरिक्त माध्यमिक दवाओं के रूप में दी जानी चाहिए। तो कुछ हम आपको नसोड जाति की दवाइयां बता रहे हैं जिनको आपको ट्रीटमेंट के दौरान बीच बीच में लेना है। इससे जो है मतलब जड़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और एक बात और बता दें कि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 लगातार लेनी चाहिए और इससे तुरंत लाभ भी मिलता है एक ही खुराक से, लेकिन इसको दिन भर में 4 बार 4-4 गोली लगातार खाते रहना चाहिए। चाहे इसका पौंड का डब्बा खरीद लें, छोटा पैक बहुत महंगा मिलता है, 20 ग्राम का आता है 80-85 रुपये का इंडियन, और जर्मनी का आता है 130 से 150 तक। तो मैं कहूँगा कि आप जो है इंडियन ही पाउंड का डिब्बा ले लें अच्छी कंपनी का, और उसको लगातार खाते रहिए 4-4 गोली दिन में 4 बार बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। अब हम आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं इसका। इसमें 5 संस्थानिक दवाएं बताई गई हैं, ट्यूबरकुलिनम, थूजा, नेटमसल, मेडोरिनम और सिफ्लिनम। तो ये 5 दवाएं इस तरीके से की, यह क्रम 201 या CM पोटेंसी में आवश्यकतानुसार माध्यमिक दवा के रूप में दें। इन दवाओं को देने से 2 दिन पूर्व तथा 2 दिन बाद तक कोई दवा न दें। यदि इन दवाओं में से किसी भी दवा से इच्छित लाभ हो तो अन्य दवाओं को यथासंभव न दें। इस रोग में खाने का परहेज आवश्यक है। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, उससे बने पदार्थ, मीट, मच्छी, दूध व पोड़ीगस खाने को न दें। बिना छना आटा, देसी खांड, शहद, सलाद, ताज़ा सब्जियां खाने को दें। थोड़ा बहुत पनीर व अंडा सब्जियों के साथ ले सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम और दवाइयां आपको बता रहे हैं। एकोनाइट 1X एंड इपिकार 1X। दौरा पड़ने पर यह दवाएं अदल बदल कर दें, इससे आराम मिलेगा और सांस और खांसी में लाभ होगा। एकोनाइट मिल में काम करने वालों के लिए भी लाभदायक है। तो इस दवा को ध्यान दीजिए, ये एकोनाइट और इपिकाक 1X, इसको 1X पोटेंसी में ला के रखिए और दौरे के समय दोनों 10-10, 15-15 मिनट के अंतर से थोड़ी थोड़ी देर पर इसको 3-4 खुराक दें। इससे निश्चित रूप से खांसी में और दौरे में। नेक्स्ट है इपिकाक, ऐठन युक्त दमा जिसमें सीने पर दबाव, सीटियां, सांस छोटा, दम घुटने की अनुभूति व चलने से ज़्यादा साथ में चिंता, सीना कब से भरा हुआ, हाथ पैरों में ठंडा पसीना, निरंतर खांसने के कारण उल्टी, दमे के साथ त्वचा की बीमारियां, 200% में इस दवा को दे सकते हैं इपिकाक को, इन लक्षणों में। इसके बाद है जिंजीवर, पेट के कष्ट के कारण हुआ दमा, श्वास नली के नीचे खुजली, कर्कशता, श्वास लेना कठिन, सीने में चुभन, सुबह के समय अधिक। तो ये लक्षण आपका जिंजीवर का है। और अगली दवा है काली कार्ब, जब दौरा मध्य रात्रि के बाद पड़ता है विशेष रूप से लाभकारी। दौरे के समय रोगी को उठकर बैठना पड़ता है जिससे उसे लाभ मिलता है। मौसम के परिवर्तन एवं ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील, चिड़चिड़ा, डरा हुआ एवं काल्पनिक चीज़ों का डर। तो ये लक्षण है काली कार्ब के। इसके बाद है बेलाडोना, ऐठन युक्त जबरदस्त दमा, सांस के साथ 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 सीने में खिंचन एवं गले में संकुचन, मानो दम घुट जाएगा, यह ऐठन नष्ट करने वाली दवा है बेलाडोना 30। इसके बाद है एस्पिडोस परमा, सांस लेने में कठिनाई के साथ दमा, 2X या 3X डाइल्यूशन में इस दवा को दीजिए, लाभ मिलेगा। इसके बाद है ग्रिंडेलिया, जब
सीने और सांस नली में काफ़ी श्लेष्मा जमा हो जाता है और सोने पर सांस रुकने लगता है। दिल बढ़ जाने के साथ साथ सीने की नलियों में हवा भर जाना वृद्ध लोगों का, जिन्हें ब्रांकाइटिस, फेफड़े अथवा पेट की नाड़ियों के आंशिक खारिज हो का दबा, भूख लगाने, सांस कष्ट व धड़कन रोकने की अति उत्तम दवा ग्रिंडेलियन। इसके बाद है कार्बोनियम सल्फ, कष्टमय अथवा तेज श्वास के साथ शराब ज़्यादा पीने के कारण, शारीरिक संस्थान बिगड़ जाने के कारण होने वाले दमे में लाभकारी दवा है ये कार्बोनियम सल्फ। इसके बाद है पल्मो वल्पिस, फेफड़ों में काफ़ी सूजन व सीटियों एवं कफ खड़कने की आवाज़ आती है तो ये दवा दी जाती है। इसके बाद है ब्लाटा ओरिएंटलिस, ब्रांकाइटिस अथवा बिना दमे की अति उत्तम दवा, जब श्वास कष्ट और दुर्गंध युक्त श्लेष्मा हो दौरे के समय दें 2 या 3 डाइल्यूशन में। नेक्स्ट है क्लोरियम क्लोरलम, दमे में श्वास सीटियों के साथ आना, लेटने पर नाक से सांस लेना पर निकालने में होठ फड़फड़ाना, तो ये लक्षण है तो क्लोरालम दवा दी जाएगी। इसके बाद है अम्ब्रासिया आर्ट, रैग वीड के पराग देखने के कारण ज्वर व दमा, तो ये दवा दी जाती है। इसके बाद है अरेलिया रेसिमोसा, दमा व नजला बारी बारी से, जिसमें तेज सीटियों व सुरसुराहट जो लेटने पर या मध्य रात्रि के बाद होता है, थोड़ी नींद के बाद थूक गर्म व नमकीन, गले में व सीने में खिंचाव, खुरचन के कारण खांसी, दम न घुट जाए इसलिए उठकर बैठना पड़ता है। अगली दवा है काली बाइक, संभोग के बाद या उसके कारण दमा, जल्दी सुबह के समय बढ़ना, काफ़ी मात्रा में रस्सी या धागे के समान कफ, ब्रांकाइटिस के कारण दमा, तो ये दवा ली जाएगी काली बाइक। अगली दवा है काली फॉस, घबरा देने वाला दमा, 1 mg पोटेंसी, माध्यमिक दवा के रूप में दें काली फॉस। काली नाइट्रिक, अत्यधिक श्वास कष्ट, मूर्छा, मछली व सीने में जलन एवं सुइयां चुभना पर आसानी से कफ निकलना, तो काली नाइट्रिक से काम बनेगा। काली सल्फ, पीला कफ, सीने में काफ़ी खड़क, श्वास में कठिनाई, बात करना लगभग असंभव, तो ये दवा ठीक है काली सल्फ। एल्यूमिना सिलिकेट, खांसी के कारण सांस रुक जाना, सीने में खड़क के साथ दमे वाली श्वास, खांसी के कारण श्वास कठिन, तो एल्यूमिना सिलिकेट लेना चाहिए। सल्फर, जब दमे का कारण फोड़ा फुंसी दबाने से होने वाला दमा, अर्थात जब फोड़ा दबते ही दमा बढ़ता है और फोड़ो फुंसी घटने पर दमा बढ़ता है, तो सल्फर 30 दवा काम होती है। लाइकोपोडियम, क्रोध, भावुकता या उत्तेजना के कारण दमा, जिसमें नथने पंखों की तरह ऊपर नीचे होते हैं, या घबराहट के कारण दमा होना, या जिन रोगियों को ज़्यादा ठंडा और जल्दी लगती है, जल्दी थक जाते हैं, ठंड लगने पर कफ दाएं फेफड़े में जमा, पेट में जलन के साथ अथवा भोजन नली के द्वार पर मरोड़ के साथ दमा होना, प्रायः शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बढ़ता है, तो ये लक्षण लाइकोपोडियम का है। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि आप 2 दवाएं साथ में ले सकते हैं ज़रूर, लेकिन लाइकोपोडियम और सल्फर साथ में कभी नहीं चलेगी, तो या तो सल्फर ही लेंगे या तो लाइकोपोडियम ही लेंगे, और दोनों को लेना है तो बहुत काफ़ी अंतर लेने के बाद, जैसे कि कब सल्फर खाए 15 दिन हो गया तब आप लाइकोपोडियम लेंगे, ये लाइकोपोडियम खाए 15 दिन हो गया तब सल्फर लेंगे, इसलिए दोनों दवाओं को एक साथ कभी नहीं चुनेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नैजा, श्वास कष्ट में लेटना असंभव,
काफी छींके आने के बाद सांस लेने में आराम, फेफड़ों की खुश्की के कारण सांस लेने में कठिनाई, नब्ज कमजोर, तो ये दवा नैजा दी जाएगी। अगली दवा है नेट्रमसल। नम मौसम में अथवा मौसम के बदलने पर दौरा पड़ना अथवा प्रातः जल्दी खांसी में कफ ढीला, ज़्यादा चिपचिपा, हरा या पीला तथा कफ के खड़कने व सीटियों की आवाज़ अथवा काफ़ी मात्रा में सफ़ेद गाढ़ा श्लेष्मा युक्त रस्सी की तरह कफ निकलना, सीने में दुखन व कसापन, खांसते समय सीने पर हाथ से दबाता है जिससे आराम मिलता है, ब्रोंकाइटिस के साथ दमा एवं सीने की विकृति, दमे के साथ या वात या अदल बदल कर बारी बारी से दमा या वात होना, यदि इस दवा से लाभ न हो तो मेडोरिनम 200 की एक खुराक माध्यमिक दवा के रूप में लें। अगली दवा है अम्ब्राक्सिया। बच्चों अथवा वृद्ध लोगों का दमा जिसमें सांस लेने में सीने में सीटी, थोड़ी सी मेहनत से भी श्वास कष्ट, तो इस बात का ध्यान रखें, यही इस दवा के लक्षण। अगली दवा है अमोनिया कार्ब। श्वास कष्ट साथ में दमा जो गर्म कमरे में बढ़ जाता है, यहाँ तक कि सांस घुटने लगता है, रात्रि में 2 बजे से 5 बजे तक काली खांसी, खांसी जिसमें सीने में काफ़ी खड़क, रात्रि में 2 बजे से 5 बजे तक खांसी जिसमें सीने में काफ़ी खड़क रहती है। अगली दवा है मेफाइटिस। मेफाइटिस में पियक्कड़ों का दमा जिसमें कफ खड़कने की आवाज़ काफ़ी आती है और लगता है कि हर दौरे पर दम निकल जाएगा, तो मेफाइटिस दवा दी जाती है। और इसमें अगली दवा है ड्रोसेरा। जो लोग कमज़ोर हो जाते हैं वह दमा बिस्तर की गर्मी से बढ़ता है, बिना कफ की खुश्क खांसी, अगर ड्रोसेरा असफल रहे तो मेफाइटिस दें। लेकेसिस। दौरा पड़ने पर सोने से उठना पड़ जाता है, सीने या गर्दन पर थोड़ा भी दबाव सहन नहीं, खांसते खांसते पनीला कफ निकलने पर आराम, सोने के समय या सोने के बाद आराम। अगली दवा है याब्रा संता। कफ निकल जाने से आराम मिलता है। आर्सेनिक एल्बम। दमे के पुराने रोगियों के लिए जिनमें बड़े कष्ट से श्वास आता है, अत्यधिक उत्तेजना, बेचैनी व कराहना, बहुत ज़्यादा थकान व निराश, मानो मृत्यु की कगार पर पहुंच गए हो, साथ में ठंडा पसीना, श्वास लेने में सीने पर कसाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, चलने से पहाड़ी पर या सीढ़ियाँ चढ़ने पर लेटते समय रात्रि के प्रथम पहर में प्रायः दौरा पड़ता है, मध्य रात्रि में कष्ट बढ़ना, सीने की नलिकाओं में हवा भर जाना, अस्थमा, फोड़े फुंसी, दबाने पर दमा हो जाना, तो ये लक्षण है। अगली दवा है ब्रायोनिया। जब दमे के साथ सांस प्रायः रात को या रात्रि के अंतिम पहर में कम रुकती है, बार बार खांसी होती है, छोटी पसलियों के नीचे दर्द, दाईं ओर झुकना असंभव या बाईं ओर कठिनाई से झुक पाना, जिसके कारण रोगी तकलीफ के साथ पीठ के बल लेट पाता है, बात करने या थोड़ी भी हरकत करने पर कष्ट बढ़ना तथा ट्रेकिया या ब्रोंकाइटिस में दुखन, तो ब्रायोनिया दवा दी जाएगी। नक्स वोमिका। पेट की खराबी के कारण होने वाला दमा, रात को सांस घुटने वाले दौरे जिससे पूर्व चिंताजनक व अप्रिय सपने देखते हैं, बैठ पीठ के बल लेटने, बार बार करवट बदलने या उठकर बैठ जाने से आराम मिलता है, पेट में काफ़ी गैस होने के कारण काफ़ी फुलाव रहता है जिससे सांस लेना कठिन होता है। नेक्स्ट है एंटीम टार्ट। जब दम घोटने वाली खांसी के साथ श्वास कष्ट, काफ़ी कष्ट तथा सीने के सामने के भाग में श्वास प्रक्रिया तेज, कष्टमय, नलियों में बलगम भर जाने से आवाज वाली हो, यह दवा लाभकारी, विशेष रूप से वृद्ध व बालकों में। नेक्स्ट है ओपियम। जब सीने में संकुचन व ऐंठन के कारण रुकावट युक्त श्वास तथा दम घोटने वाली खांसी,
चेहरे पर परेशानी व अत्यधिक चिंता तथा सीने में काफी खड़खड़ाहट वाली श्लेष्मा हो, दम घुटने का डर हो या सोते में श्वास कष्ट हो, जिससे रात्रि भय उत्पन्न हो जाता है, तो ओपीएम दवा दी जाती है। इसमें अगली दवा है ग्रेफाइटिस। दमे के साथ अथवा अदल बदल कर त्वचा के रोग अगर होते हैं तो ग्रेफाइटिस दवा भी अच्छा काम करती है। जैसे दमा भी है और दमा रुका तो चर्म रोग हो गया, और चर्म रोग ठीक हुआ तो दमा हो गया, ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइटिस अच्छा काम करती है। इसके बाद है सैम्बुकस एन। तेज एवं परिश्रम युक्त श्वास क्रिया जिसके कारण श्वास लेना मुश्किल एवं दम घुटने का डर, कभी कभी हाथ व चेहरे पर सूजन व रंगत सफ़ेद हो जाना, शरीर सामान्यतः गर्म कंपन फुसफुसाहट में बोल पाना संभव, दम घुटने वाली खांसी, लेटने से बढ़ना, बच्चों बेकरी वालों एवं पत्थर तोड़ने वालों का दमा, बच्चा श्वास कष्ट के साथ दम घुटने से घबरा कर सोते से उठ जाता है व सारे शरीर में पसीना। आरम ट्रिप। हे फीवर, छींके आना, गले के चारों ओर दबाव व दर्द के साथ में शाम के समय जबरदस्त नज़ले के रूप में मुख्य रूप से लाभकारी। इसके बाद है मास्कस। घबराहट के कारण होने वाला दमा जो प्रायः उन औरतों को होता है जिन्हें हिस्टीरिया हो अथवा जिन्हें जिन बच्चों को जल्दी ठंड लगती है, श्वास नली के ऊपर के हिस्से में संकुचन एवं ऐठन के कारण दम घुट रहा हो तो मास्कस दवा दी जाती है। और अगली दवा है कुप्रमेट। मास्कस के असफल रहने पर उन्हीं लक्षणों में जब कंपन एवं गले का दबाव महसूस हो तो कुप्रमेट दवा दी जा सकती है। इसके बाद है लोबेलिया इन्फ्लाटा। सीने में कसाव, श्वास नली में सनसनाहट, सांस लेने में बहुत जोर पड़ता है जिसके कारण मुंह से सांस काफ़ी खोल कर लेनी पड़ती है, सीने के कसाव के कारण सांस काफ़ी गहरी लेनी पड़ती है जिससे थोड़ा आराम मिलता है पर सीने की हड्डी के नीचे कुछ दर्द होता है, कफ या श्लेष्मा बिल्कुल नहीं निकलता, ठंड व तंबाकू के धुएं से बढ़ना बिल्कुल सहन नहीं, तो ये इस दवा का लक्षण है। और अगली दवा है फास्फोरस। नमी के कारण होने वाले दमे जिसमें ठंडे पानी की प्यास बहुत अधिक हो पर पीने पर पेट में जाकर जैसे गर्म होता है, उल्टी हो जाती है, सांस में काफ़ी रुकावट व पेशाब का कम हो जाना व उसमें एल्ब्यूमिन आना, तो फास्फोरस दवा दी जाती है। और अगली दवा है एसिसफॉस 200। फास्फोरस के असफल रहने पर 3 पोटेंसी में दें, बाद में 200 पोटेंसी में दें एसिसफॉस। और उसके बाद है नेट्रम आर्स। कोयले की धूल सांस में चली जाने के कारण अथवा दमा व पित्ती का अदल बदल कर होना, तो ये दवा नेट्रम आर्स यूज़ की जाती है। अब है एग्रिकस मस्केरियस। पतले, लंबे, जल्दी घबराने व परेशान होने वाले लोगों में जिन्हें जल्दी फड़कन, मांसपेशियों में कंपन व नसें जल्दी तन जाती हैं, जो भद्दे व गंदे होते हैं, जल्दी गिर पड़ते हैं या चीज़ों को काफ़ी गिराते या तोड़ते हैं, ठंड बहुत लगती है व कमज़ोर हो जाते हैं, नज़ले के साथ रात में पसीना आता है, दिल धड़कने के दौरे पड़ते हैं, जिनका अंत छींक से या श्वास अवरोधता से या हाथ पैरों के झटके आने से होता है, बाद में काफ़ी कमजोरी हो जाती है, जो काफ़ी कमज़ोर और शाम को काफ़ी प्रसन्न व समर्थ महसूस करते हैं, तो ये लक्षण है। अगली दवा है थूजा। जब चेचक का टीका लगने के बाद दमा होता है, चेहरा पीला, रुगण चिकना एवं चमकदार हो जाता है, जगह जगह मस्से हो जाते हैं, दोपहर के समय खुश्क खांसी आती है या बच्चों को खुश्क या गीली खांसी से होने वाला दमा, नाक में गाढ़ी हरी व पीली स्त्राव के साथ पपड़ी, जब लक्षणानुसार दी गई दवाएं असफल रहें तो इसे माध्यमिक दवा के रूप में दें। अगली दवा है हीपर सल्फर। तो हीपर सल्फर में ठंडी खुश्क पूर्वा हवा के कारण होने वाला दमा जो किसी भी प्रकार की नमी व ठंड से बढ़ता है, तो हीपर सल्फ दवा यूज करते हैं।
केलेडियम जो खुजली व त्वचा पर सूजन के साथ अदल बदल कर होता है, खुजली हो जाए स्किन में या सूजन हो जाए और या दमा हो जाए, अदल बदल के होता रहता है, तो केलेडियम दवा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है स्टिक्टा पी, रात अथवा शाम को होने वाली खुश्क खांसी के साथ लेटना सोना असंभव, जितना ही खांसता है खांसी उतनी बढ़ती है, व जिन औरतों को दूध कम होता है उनका दमा स्टिक्टा पी से ठीक होता है। और इसके बाद है ब्रोमाइन, मल्लाहों को किनारे पर पहुंचकर होने वाला दमा जो धूल व तेज हवा से बढ़ता है पर समुद्र में जाते ही कम हो जाता है, तो ब्रोमाइन दवा दी जाती है। और अगली दवा है साइलिसिया, साइकोटिक संस्थान तथा ठंड ज़्यादा महसूस करने वाले रोगियों की दवा है। सीने के असाध्य नज़ले के रोगी जिनमें दमे की घड़घड़ाहट, दम घोटने वाला कंपन, हिल पाना असंभव, ज़्यादा गर्मी या थकान के कारण होता है तथा साथ में ब्रोंकाइटिस होती है या ब्रोंकुल्स फैल जाते हैं, सीना श्लेष्मा से भरा हुआ होता है मानो दम घुट जाएगा, जो सुजाक या गनेरिया के दबाने के कारण होता है, नलिकाओं में हवा भर जाती है व पूर्णमासी एवं चंद्रमा के प्रारंभिक अवस्था में हालत खराब होती है। नेक्स्ट है इग्नेशिया, भावुकता, अत्यधिक चिंता व बार बार दुख के कारण होने वाला दमा इग्नेशिया। मेडोरिनम, जब लक्षणानुसार दी गई सही दवा प्रभावकारी न हो रही हो तो उनसे इच्छित व पूर्ण लाभ न मिल रहा हो तो इस दवा को माध्यमिक के रूप में प्रयोग करें। इसके मुख्य लक्षण हैं दम घोटने वाली खांसी, श्वास नली में रुकावट जिससे श्वास केवल मुंह के बल लेटने से आराम मिलता है, या खुश्क खांसी जो लेटने से बढ़ जाती है में पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, पंखा पसंद करता है, ठंड लगती है पर ओढ़ नहीं सकता, गर्म नम हवा तूफान, दिन निकलने से दिन छुपने तक दशा खराब पर शाम के समय कुछ बेहतर, या समुद्र के किनारे या समुद्र में बेहतर, ब्रोमियम का उल्टा, कभी कभी वात रोग के साथ दमा होता है और कभी वात रोग व दमा अदल बदल कर होता है, तो ये दवा दी जाती है। नेक्स्ट दवा है एक्टिया रेसिनोसा, मासिक धर्म के समय या बात करने पर रात्रि के समय बढ़ने वाला जबरदस्त ऐठन युक्त दमा जिसमें कफ मुश्किल से ही निकलता है, तो एक्टिया रेसिनोसा दवा दी जाती है। र्यूमैक्स, तापमान के परिवर्तन पर जबरदस्त खांसी, क्लिविकल के नीचे दुखन, खांसी के कारण सीना और सिर हिल जाता है पर बड़ी कठिनाई से थोड़ा कफ रुक के निकलता है। इसके बाद है सेनेगा, कफ के घड़घड़ाहट की तेज आवाज के साथ दमा, सख्त रस्सी जैसा कफ, सूखे गले की खांसी के कारण हाफ जाना, पुरानी ब्रोंकाइटिस अथवा फेफड़ों का नजला। नेक्स्ट है एसिड सल्फ, खुश्क खड़कदार आवाज के साथ थोड़ी देर तक आने वाली खांसी के साथ दमा, जिसका ज्यादातर अंत डकारों व उल्टियों से होता है, सीने में कमजोरी, जलन व चुभने का दर्द, दम घुटने व सीने के कस जाने का डर जो कि पैर नीचे लटकने से कम होता है। नेक्स्ट है कार्बोवेज, पेट में गैस इकट्ठी हो जाने पर तुरंत दमा हो जाता है, तो कार्बोवेज दवा यूज करनी चाहिए। जैसे ही पेट में गैस इकट्ठा हुई तुरंत दमा हो जाता है, तो कार्बोवेज दवा यूज करनी चाहिए। इसके बाद है पोथोस, श्वास में धूल चले जाने के कारण होने वाला दमा जो पट्टी आने पर कम हो जाता है, तो इस दवा को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोलोसिंथ, पेट की खराबी व पेट फूलने के साथ दमा, समुद्र के किनारे ज़्यादा, गर्मी में भी ठंड लगना, तो ये लक्षण है कोलोसिंथ के। और अगली दवा है सोराइनम, दमा जिसमें हाथ फैलाकर लेटने से निश्चित आराम मिलता है लेकिन बाहें समेटने पर कष्ट बढ़ता है, जाड़ों में व ठंड से कष्ट बढ़ता है, स्त्राव चिपचिपे व दुर्गंध युक्त वृद्ध लोगों का दमा, सोराइनम दवा यूज की जाएगी 30%। अगली दवा हाइपेरिकम, कोहरे
वाले मौसम में दमा बढ़ना, काफ़ी मात्रा में कफ निकलने पर आराम मिलना, काफ़ी पसीना। नेक्स्ट है दल का मारा, नम मौसम में या नम जगह में रहने के कारण होने वाला दमा दल का मारा दवा से ठीक होगा। उसके बाद है क्रामिको काली सल्फ्यूरिकम, ये दो दवाएं एक साथ अदल बदल के लेनी है। जर्मन लोग इसे दमे की अच्छी दवा मानते हैं। जब सीने पर दबाव हो और गाढ़ा कफ हो जो मुश्किल से छूटता है तो ये दो दवा जो है अदल बदल कर लेनी चाहिए। इसके बाद है सैबडिल्ला, ये दमा की एक प्रमुख दवा है जिसमें सीने में दबाव, छींके व पनीला स्त्राव आता है। और अगली दवा है हाइड्रोलिक एसिड, स्नायविक दमे के तेज दौरे जिसमें सीने में जकड़न हो तो ये दवा दी जाएगी। सेंगुनेरिया सी, गंध से होने वाले या बढ़ने वाले दमे में विशेष रूप से लाभदायक, खांसी कर्कश, कष्टमय और खुश्क होती है। और इसके बाद है सिफलिनम, हर गर्मियों में होने वाला दमा, तो इस दवा की 1 mg पोटेंसी दें। और अगली दवा है पल्स्टीला, डरपोक, चिड़चिड़े, जल्दी मूड बदलने वाले, जल्दी हंसने और रोने वाले, अंधेरे व मृत्यु से डरने वाले, शक्की, चर्बी से दुष्प्रभावित होने वाले तथा बिल्लियों के सपने देखने वालों का लोगों का दमा, ये दवा भी 1 mg पोटेंसी की केवल एक खुराक देनी चाहिए और कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों ये ब्रांकल अस्थमा का इलाज हमने बताया है और दवा एक बहुत टेढ़ा आइटम है। इसमें कुछ हमने शुरू में संस्थानिक दवाएं भी बताई हैं, तो जैसे अपने लक्षण के अनुसार दवा करते रहें और बीच बीच में संस्थानिक दवाएं भी एक दो डोज ले लें और उसका 2 दिन के बाद से फिर अपना इलाज शुरू कर दें और धीरे धीरे करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लें। अगर एक दवा से आराम नहीं मिल रहा है तो दूसरी दवा ट्राई कर लें, तीसरी दवा ट्राई कर लें और दुख भोगने से अच्छा है कि अपना ट्रीटमेंट कर लें। तो ये इतनी दवाएं इस बीमारी में यूज़ होती हैं और मैं बहुत ज़्यादा लाने को नहीं कह रहा हूँ। आप 5-5 ml लिक्विड में लाइए, गोली में बना बना खाइए, 10-15 रुपए की दवा लाइए, गोली शीशी हमेशा घर में रखिए, गोली बना बना खाइए और निश्चित रूप से आपको आराम रहेगा। और अगर पूरी तरीके से न ठीक होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो आराम मिलता ही रहेगा, आपको ज़्यादा दुख नहीं भोगना पड़ेगा और लंबे समय तक सही दवाओं से ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से आराम मिल जाएगा। और इन होम्योपैथिक दवाओं के साथ मैं आपको एक बायोकेमिक दवा को भी यूज़ करने की सलाह दूंगा, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2 की 4-4 गोली दिन में 4 बार निश्चित रूप से लीजिए और अपने लक्षण के हिसाब से चुनी हुई होम्योपैथिक दवा लीजिए। निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा, पूरी तरह से आराम मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।